नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन शेयर है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इस वीडियो में उस कंपनी का जिसके हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करें काफ़ी बेहतरीन है। तो इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है उसको हम लास्ट में जानेंगे, क्या प्राइस होना चाहिए आपके बाइंग का और क्या टारगेट होनी चाहिए आपका, आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के बारे में मिलता है कि दोनों रूप से कौन सी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों कौन सा कंपनी स्ट्रॉन्ग है उसके अनुसार हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एडवांस एंजाइम। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है टेक्निकल रूप से और फंडामेंटल रूप से टेक्निकल में, लेकिन कुछ डिफॉल्ट है जिसको हम लास्ट में जानेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के रूप में देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन जो कंपनी का मात्र 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो देख सकते हैं 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है और काफी मतलब छोटी कंपनी हो गया। और डिविडेंड जो 30% का देता है, तो हर साल कंपनी डिविडेंड पे करती है। प्राइस टू अर्निंग अर्निंग पर शेयर जो है वो फाका है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो इंडस्ट्री से दोगुने से भी ज्यादा है, देख सकते हैं 50 का है, जबकि इंडस्ट्री का मात्र 23 का है। अब डिविडेंड यील्ड देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड 0.22 है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है। फेस वैल्यू का है, कंपनी एक बार मतलब स्टॉक को स्प्लिट किया है फेस वैल्यू 10 से 2 में, मतलब शेयर 5 times हो गया जो भी इन्वेस्ट किए होंगे इसमें। उसके बाद हम कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का यहाँ पर आपने स्टॉक स्प्लिट देख ही लिया, 2017 में एक बार हुआ है। बोनस कंपनी कभी नहीं दिया है, डिविडेंड कंपनी हर साल मतलब पिछले 3-4 सालों से रेगुलर पे कर रही है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स का जो स्टेक है 58.13 है, जो कि बढ़ा है, देखते हैं प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपका कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए भी। पीर कॉम्पिटिशन में जाकर आप पीर देख सकते हैं, सन फार्मा, तो ये एक तरह से फार्मा सेक्टर से है। कंपनी के बिजनेस को भी जानेंगे लास्ट में। उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट को हम देख लेते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 344 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास जो डेट है काफी कम है, तो डेट देख सकते हैं मात्र 11 करोड़ का डेट है कंपनी के पास, डेट काफी कम है। उसके बाद कंपनी के पास एसेट भी काफ़ी अच्छा है, तो 292 करोड़ का टोटल नॉन करेंट एसेट है, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो एसेट भी काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का, तो कंपनी फंडामेंटल रूप से काफ़ी बेहतरीन है। अब हम चलते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है कंपनी। तो चार्ट भी कंपनी का आप देखेंगे तो फिलहाल के समय में मतलब पिछले 6 महीने का, तो कंपनी चार्ट पे आपको काफ़ी सॉलिड दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी पहले इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर कंपनी कुछ इस तरह के ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो कंपनी चार्ट पर आपको यहाँ पे भी वीक दिख रहा है, अपने ट्रेंड लाइन को कई बार ये ब्रेक कर चुका है। अभी यहाँ पर आपने एक बार देखा, पीछे भी ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर देगा जब आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो लेकिन आप अच्छे प्रॉफिट बनाएंगे, कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मतलब आप इस कंपनी में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर गिरावट में बाय किए, आपको यहाँ तक का रैली देखने मिला, फिर इसमें करेक्शन मिला, तो यहाँ पर करेक्शन में जैसे इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो आप यहाँ पर मतलब ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किया, फिर ये रैली किया, फिर करेक्शन आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर चलते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे अपना मतलब प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह से आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो हम चलेंगे इसके वीकली चार्ट के मतलब पीछे के चार्ट को देखेंगे कंपनी चार्ट पे कैसी दिखती है। तो कंपनी चार्ट पे काफ़ी वीक है, कंपनी का जो चार्ट है आप देखते हैं डाउन ट्रेंड चार्ट है। आप मंथली चार्ट लगाते हैं तो देख लीजिए मंथली चार्ट में कंपनी जो है 2017 से यहाँ पर मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, और पहले इसमें एक ज़बरदस्त रैली देखने मिला कंपनी में, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट देख सकते हैं, बहुत बड़ी एक लॉन्ग टर्म का गिरावट। ऐसे भी फार्मा सेक्टर में काफ़ी मतलब समय से अंडर परफॉर्म रहा है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक ये अपना हाई ब्रेक नहीं करता आपको एक मतलब ज़बरदस्त रैली देखने नहीं मिलेगा। मतलब अभी जो रैली है इससे बड़ा रैली अगर आप चाहते हैं तो आपको इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे अभी इसमें आज एक ज़बरदस्त रैली देखने मिला, 20% का सर्किट अपर सर्किट देखने मिला। तो वीकली चार्ट पर भी देखिएगा कंपनी काफ़ी मतलब वीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वीकली चार्ट पर ये लो बनाया, इस लो को फिर ब्रेक किया, और जो अपना है ये डाउन ट्रेंड में ये चलता रहा, डाउन ट्रेंड में चलता रहा, देखते हैं डाउन ट्रेंड चलता रहा। और
ये डाउन ट्रेंड खत्म कब हुआ, जब ये हमारा पैंडमिक आया कोरोना वायरस का। अगर आप RSI भी देखें वीकली चार्ट पे काफ़ी वीक है, कभी भी RSI का वैल्यू आपको 60 से एवब नहीं दिखेगा। RSI का वैल्यू 60 से एवब यहीं पे था, और यहां से 2017 के बाद से कंपनी का जो अगर RSI भी देखें तो वो भी बता कि कंपनी डाउन ट्रेंड में है, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कभी गिरते हुए चाकू को आपको नहीं लपकना है, नहीं तो आप ही घायल होंगे। तो इसलिए वैसे ही कंपनियों में आपको पोजीशन बनानी है जो कि अप ट्रेंड में हो। जैसे अब ये अप ट्रेंड में है तो आप इसके किसी भी मतलब करेक्शन पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस चार्ट पे? डेली चार्ट पे। आपको डेली चार्ट लगा है, डेली चार्ट पे जैसे ये करेक्शन से फिर से ये जैसे ये रैली किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर देख करेक्शन के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है इस ट्रेंड पे। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, चाहे आज ये जैसे ग्रीन कैंडल में ये जा रहा था, आप यहीं पर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाया तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे, या यहाँ पर अपना जो ये अपर प्राइस है यहाँ को जैसे ब्रेक किया तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे, या अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कल भी ये ग्रीन कैंडल बनाता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अपना जरूर लगाएं, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, ये लो होगा, ये जो लो है इसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से हम पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। तो टेक्निकल चार्ट पर आपने देखा कंपनी काफ़ी वीक है। अब कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस को जान लेते हैं, कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस का। एडवांस एंजाइम कंपनी का जो बिजनेस है देखते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, नॉन फूड प्रोसेसिंग, ये कुल चार मुख्य बिजनेस है। यहाँ पर आप क्लिक करके कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आजकल देखते ही हम लोग जिम करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो सारे के लिए जो एंजाइम तैयार करता है ये कंपनी, तो रिसर्च बेस्ड कंपनी है, रिसर्च करता है पूरी तरह से और फिर अपना प्रोडक्ट बनाती है। और कई सारे मतलब पूरे ग्लोबल मतलब जो कई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो कई सारे कंट्रीज में इसके बिजनेस है जहां ये अपना एंजाइम सेल करती है जो कि यूज किया जाता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, एनिमल न्यूट्रिशन में, फूड प्रोसेसिंग में और नॉन फूड प्रोसेसिंग, जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, जो हमारा फसल होते हैं किसान के लिए उस अनाज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है। तो ये सारे एंजाइम ये तैयार करती है कंपनी, और जिसकी ये एक लीडिंग कंपनी है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो ज़रूर आप इसमें गिरावट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखते हैं वेजिटेबल एनिमल न्यूट्रिशन, जैसे वेजिटेबल को मतलब उसको प्रोसेस करना है, उसको सेफ रखना है, तो उसके लिए एंजाइम तैयार करती है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।